Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी आपको बताते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। शुक्र अदा करता खारेवाल के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह ने खामोशी और आराम से मेरी बात सुने। मैं वो आपके सामने पाकिस्तानी खड़ा हूं जिसको अल्लाह ने बड़ी बड़ी कामयाबियां दी। क्रिकेट में पहली दफा, सुने जरा ये गौर से और पीछे भी, पहली दफा पाकिस्तान हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान को हराया। लाखों लोग एयरपोर्ट पे आए लेने, बड़ी खुशी हुई मुझे, अल्लाह का मैंने बड़ा शुक्र अदा किया। और फिर पहली दफा इंग्लैंड को जाके हमने इंग्लैंड में क्रिकेट में हराया, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया पहली दफा। और फिर हिंदुस्तान में जाके नेहरू कप जीता, फिर वर्ल्ड कप जीता और अल्लाह का शुक्र अदा किया अपने मुल्क के, अपनी अवाम की शक्लों के ऊपर। जो खुशी देखी मैंने जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सारे सड़कों पे लोग खड़े थे, तो उनकी शक्लों के ऊपर जो मैंने खुशी देखी, मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। शौकत खानम का जब दरवाजा खुला, बड़ा मुश्किल, क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल था अस्पताल बनाना। जब 29 दिसंबर 94 को जब शौकत खानम का दरवाजा खुला, मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया और बड़ी खुशी हुई। आज मैं अल्लाह का इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूं कि ये जो मुल्क एक अल्लाह ने आपको इतना बड़ा तोहफा दिया था, और जो हम देख रहे थे अपनी तबाही की तरफ जा रहा, हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान आए, बारियां ली जिन्होंने, मैंने अपनी आंखों से अपने मुल्क को नीचे जाते देखा। यही पाकिस्तान था, यहां के इदारे सारे इस खित्ते में बेहतरीन इदारे थे, यहां की तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, बाहर से लोग इधर आया करते थे। दुबई से जो आज लोग दुबई में छुट्टियां गुजारने जाते हैं, सिर्फ आज से 25-30 साल पहले कराची में छुट्टियां बनाने आते थे। ये हमने अपनी आंखों से वो पाकिस्तान देखा कि पीआईए, जिधर मुझे इतना अफसोस हुआ कि न्यूयॉर्क का जो रूट था पीआईए का वो बंद कर दिया है। ये पीआईए दुनिया की टॉप एयरलाइन थी, हमें फख्र होता था जब हम पीआईए में बैठते थे, दुनिया मानती थी हमारी एयरलाइन को। और वो पाकिस्तान जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, अगर आज हम उस पाकिस्तान को उधर देखते हैं कि जिधर मुजरमों ने मुल्क के ऊपर आके बैठ के कब्जा कर लिया है, अवाम पिस रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, तो मैं इसलिए आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं खानेवाल के लोगों, इसलिए कि जो मैंने आपका शऊर देखा, मुझे आज यकीन है कि सारा पाकिस्तान जाग चुका है, तब्दीली के लिए तैयार हो चुका है। अवाम फैसला कर बैठी है
कि वो अब इस तरह इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। वो लोग जो 30 साल से यहां आके झूठे वादे करते रहे, अवाम का नाम लेते रहे और खुरबा अरबपति बन गए और कौम को मकरूज कर दिया, शुक्र है कि आज मेरी कौम जाग गई। और खाने वाले के लोगों, नौजवानों, ये खास तौर पे आपके लिए, मैं 24 साल की उम्र का था जब मैंने दुनिया का चक्कर लगाया, दुनिया के सारे मुल्क देखे और खुशकिस्मती से मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने सारा पाकिस्तान देखा। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि अल्लाह ने जो खूबसूरती इस मुल्क को, आपके मुल्क को दी है, मैंने शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में इतनी खूबसूरती देखी है। यहां आपके पास हिमालय, चार किस्म के पहाड़ हैं। एक है हिमालय, एक है काराकुरम, एक है हिंदू कुश, एक है सुलेमान, फिर सॉल्ट रेंज और फिर बलूचिस्तान के जब नीचे जाए वहां पहाड़। हर पहाड़ में मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरती अल्लाह ने दी है। 12 मौसम दिए हैं इस मुल्क में, 12 मौसम। कोई भी फल आप उगाना चाहें आप पाकिस्तान में उगा सकते हैं। आप जो भी फसल उगाना चाहें इस मुल्क में उगा सकते हैं, जरखेज जमीन है। ये पाकिस्तानियों सुनो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जमीन जो जरखेज जमीन होती है उसको कहते हैं टॉप सॉयल। उसके ऊपर जो जमीन के ऊपर जो ऊपर वाला मिट्टी होती है उसको टॉप सॉयल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6-6 इंच से ज्यादा कहीं भी टॉप सॉयल नहीं है। यहां आप जिधर बैठे हैं यहां 6-6 फुट टॉप सॉयल है, यानी कि जरखेज तरीन जमीन अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह ने कोयले के रिजर्व, अल्लाह ने तांबे के रिजर्व दिए, अल्लाह ने ऐसे ऐसे खूबसूरत इलाके दिए। मैं पिछले ये गर्मियों में मैंने 4 ऐसे पहाड़ों में ऐसी वादियां ढूंढी हैं जो इंशाल्लाह हम खोलेंगे। ये सिर्फ पख्तूनख्वा में है, इंशाल्लाह अगली गर्मियों में खोलेंगे। मैं दावे से कहता हूं कहीं यूरोप में आपको इतनी खूबसूरती नजर आएंगी जो ये 4 नहीं मैंने ढूंढी है। और इंशाल्लाह हर साल मैं आपको 4 नई वादियां ढूंढ के दिखाऊंगा। आपके मुल्क में अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दी है। तो ये वो मुल्क है जो अल्लाह ने अपना हर नेमत दी है। लेकिन पाकिस्तानियों, खानावाल के लोगों, अल्लाह ने तो हमें सब कुछ दे दिया और आप जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन हमने, पाकिस्तानियों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। हमने जो हमें अल्लाह की जमीन के ऊपर हमें जो करना चाहिए था हुकूमतों ने और लोगों ने, वो हमने नहीं किया। अब ये देखें नौजवानों, ये आपके लिए खास तौर पे, जो ये मौसम आजकल है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह धुंध पड़ी नहीं। नवंबर के इस महीने में कभी नहीं पड़ी। उमूमन तो ठंड होती है तो धुंध आती है, ये तो अभी ठंड आई नहीं और धुंध आ गई है। ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है, ये आलूदगी है। ये आगे अगर ये बढ़ती ही गई या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिगड़ता जाएगा, बीमारियां होंगी, दमे की बीमारियां होगी, पोल्यूशन हो। आगे ही पाकिस्तान में 3 लाख से ऊपर लोग हवा की पोल्यूशन और पानी की पोल्यूशन से हर साल मरते हैं। 3 लाख लोग, 3 लाख पाकिस्तानी इस पोल्यूशन से मरते हैं। तो नौजवानों,
یہ اس لیے کہ کسی نے فکر ہی نہیں کی کہ ہم نے اس ملک کی ہوا صاف کرنی ہے، ہم نے اس کا ملک کا دریا صاف کرنے ہیں، ہم نے گندگی میں نہیں رہنا، ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آدھا ایمان صفائی ہے، ہم نے صاف رکھنا تھا اپنا ملک، اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنی ہم اللہ کی زمین پہ ہم گندگی پھیلائیں گے، ہم اپنی ماحولیات کا دھیان نہیں رکھیں گے، آگے مزید مشکلات آتی جائیں گی، یہ فصلوں کے اوپر بھی فرق پڑے گا، یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ صحت پہ فرق پڑے گا، یہ فصلوں پہ بھی فرق پڑے گا، یہ لوگوں کی صحت پہ، بچوں کی۔ اس لیے اب سے میں سب سے پہلے تحریک انصاف کا آپ کے سامنے آپ کو پروگرام دیتا ہوں کہ پہلی پارٹی ہوگی پاکستان میں جس نے اپنی ماحولیات کو صاف کرے گی، اور پہلا کام کہ پختونخوا کے اندر 1 ارب 18 کروڑ درخت اگائے ہم نے 3 سالوں میں، پاکستان کی ساری تاریخ میں 64 کروڑ درخت اگائے تھے اب تک، ایک صوبے نے 3 سالوں میں 1 ارب 18 کروڑ درخت کیوں لوگ اگائے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ پہلی پارٹی نے سوچا الیکشن کا نہیں، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے آنے والی نسلوں کا ہم نے سوچا۔ یہ جو کام کیا یہ ایسا ہے، آپ کو اگر سمجھ آئے کہ 1 ارب 18 کروڑ درخت کتنے ہوتے ہیں، 40 چھانگا مانگا جیسے جنگل اگائے ہیں، 40۔ تو رک لو، تبدیلی آئی رے۔ اور اب انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، اور یہ جو گانا ہے نا، روک سکو تو روک لو، کوئی نہیں روک سکتا اب انشاءاللہ تحریک انصاف کو۔ میں نے سنا ہے کہ یہ خاقان عباسی، میں نے تمہارے سے زیادہ کمزور وزیر اعظم دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شوکت عزیز کمزور ہے، تم نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا۔ یعنی جس طرح آپ ایک نااہل وزیر اعظم کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں، جس نے 300 ارب روپیہ اس قوم کا چوری کر کے باہر لے کے گیا ہے، جس طرح آپ اس چور کی خدمت کر رہے ہو، میں نے کبھی کسی کو ایسے نہیں دیکھا۔ خاقان عباسی، اللہ کبھی کبھی کسی کو موقع دیتا ہے، جو آپ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، کچھ تھوڑا سا دل گردہ دکھاؤ، کچھ تھوڑی سی دلیری دکھاؤ، کوئی عباسیوں کے لیے بھی، ان کی بھی عزت اوپر کرو۔ خدا کا واسطہ ہے، جس طرح جو بزدلی کا مظاہرہ تم کر رہے ہو، میں نے تمہارے سے بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ اب آپ، اگر آپ کا خیال ہے خاقان عباسی کہ 94 ارب روپے سے آپ اپنے ایم این اے کو دے کے الیکشن خرید لیں گے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یہ جو قوم آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ بکنے والی قوم نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں لگے گی۔ 94 ارب، ویسے 94 ارب اگر قوم پہ لگا دو تو مجھے کوئی بری بات نہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ یہ 94 ارب سے زیادہ پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جائے گا، آپ کے ایم این ایز کی، وہ کھائیں گے اس میں سے پیسہ۔ لہذا خاقان عباسی، ایک طرف قرضے لیے جا رہے ہیں، ایک طرف ملک کو قرضوں میں ڈبو رہے ہیں، اور دوسری طرف 94 ارب روپیہ آپ ایم این ایس کو الیکشن جیتنے کے لیے دے رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے،
94 अरब या इससे और 50 अरब और भी दे दो, मैं चैलेंज करता हूं कि अगले इलेक्शन में तुम भी हारोगे, नून लीग भी हारेगी। नवाज शरीफ, अच्छा नवाज शरीफ कहता है कि मैं -1 नहीं होने लगा, नवाज शरीफ मैं -1 नहीं होने लगा। नवाज शरीफ आप -1 हो गए हो, आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नाहल करार दे दिया है, तो आप कैसे कह रहे हो मैं -1 नहीं होने लगा। अच्छा और एक और ये जरा सुने, नवाज शरीफ आजकल किसको अटैक कर रहे हैं? पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को, और कहता है कि साजिश हो गई। मैं आपको सुने, मैं आपको एक सुनाता हूं बात। एक मुल्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस में इम्तिहान दिए जाते थे, सुने जरा, ये आप एंजॉय करेंगे। मेडिकल कॉलेज जो इम्तिहान देते थे वो एक यूनिवर्सिटी के नीचे था, तो जो यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था उसका एक मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर से उसकी लड़ाई हो गई। तो जो इम्तिहान लेते थे वो यूनिवर्सिटी थी, नीचे मेडिकल कॉलेज था। अब जिस मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर से उसकी लड़ाई हुई, तो जब वो उसने इम्तिहान लेने वाला भेजा और जब इम्तिहान लिया तो सारे ही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट फेल हो गए, सारे फेल हो गए। तो लोग पहुंच गए उसके पास, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया है, आपने बड़ा जुल्म किया है, आपने सबको ही फेल कर दिया है। सुने वो क्या कहता है, कहता मैंने बिल्कुल ये नहीं किया, मैंने एग्जामिनर को कहा कि जब मार्क्स दो तो मेरिट पे देना, अब वो मेरिट पे फेल हो गए। तो उसने कहा ये क्या मतलब, सारे फेल हो गए? कहता मैं पहले जब मेरा इम्तिहान लेने वाला जब जाता था तो मैं उसे कहता था अच्छा अगर कोई फेल हो गया तो उसको मार्क्स दे के पास कर दो, तो इसलिए आपके कॉलेज में लोग पास हो जाते थे। अब मैंने कहा मेरिट पे करो, मेरिट पे सारे फेल हो गए। अब यही हाल है नवाज शरीफ का। अब तक सुने जरा, अब तक क्या होता रहा, वो कहते ना साजिश हो गई, अब तक क्या होता रहा, कोई जज उसके खिलाफ फैसला करने लगता था या ये उसके ऊपर पैसा चला देता था या उसको डरा धमका देता था। सजाद अली शाह चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फैसला करने लगा, डंडों से अटैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, फिर जो बाकी जज थे उनको ब्रीफ केस दे दिए, उसको डरा दिया, बाकियों को खरीद दिया। जस्टिस कयूम उसको टेलीफोन कर रहा होता था शहबाज शरीफ, क्यूम साहब ऐ फैसला कर देना। दूसरा सैफुर रहमान उसको टेलीफोन कर रहा है जस्टिस क्यूम को कि बेनजीर को 5 साल नहीं 10 साल कैद दे देना। इनको इस तरह के जज पसंद थे जो इनकी बात मानते थे। अब ये चीफ, ये पाकिस्तान की अदलिया ने इससे नाइंसाफी नहीं की, इनके ऊपर इंसाफ कर दिया है, मेरिट पे फैसला कर दिया है जो ये आदि नहीं थे। फौज को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? ये वो लोग हैं जो फौज ने, नवाज शरीफ को जियाउल हक ने चूसनी दे के पाला था, इसको तो पॉलिटिक्स ही नहीं आती थी। फिर आईएसआई ने मेरान बैंक से पैसा लेके 1990 में आईएसआई ने दिया, 96 में एस्टेब्लिशमेंट ने फारूक लगारी से मिलके बेनजीर की गवर्नमेंट हटाई, और फिर 2013 में एक ब्रिगेडियर ने पंजाब में नून लीग की मदद की इलेक्शन जिताने में, हम सब पता है। तो ये पहली दफा अगर फौज आपकी गलत काम में हमायत भी कर रही और अदलिया आपसे पहली दफा इंसाफ कर रही है,
तो ये साजिश नहीं नवाज शरीफ, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह का खास करम है, उसकी पकड़ है तुम्हारे ऊपर, तुम पकड़े गए हो और नहीं बच सकते। जो भी करो माइनस वन हो चुके हो, तुम्हारी सियासत की कब्र खुद गई है, बल्कि वो दफनाई गई है, उस कब्र के ऊपर पौधे भी उगने शुरू हो गए हैं, तुम माइनस वन हो चुके हो। अच्छा जी, आप खानावाल के लोगों सुने जरा, अब ये मेरे से पूछे कि इमरान खान और पीटीआई इस मुल्क को कैसे वो मुल्क बनाएगी जो कायदे आजम का पाकिस्तान था। अब मैं आपको चार चीजें देने लगा हूं, मेरा आपसे इंशाल्लाह ये वादा है कि ये चार चीजें हम कर देंगे, ये मुल्क बदलेगा, खुशहाली आएगी। नौजवानों, आपका सबसे बड़ा मसला रोजगार है। मैं इंशाल्लाह, अगर हमने ये अपना प्रोग्राम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ चार चीजें, ये चार चीजें हम कर गए, आपको रोजगार लेने के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग दुबई लाइनों में खड़े होकर जाते हैं, मर मर के वीजे लेते हैं, इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा, दुबई सऊदी अरेबिया से इधर लोग आएंगे इंशाल्लाह नौकरियां ढूंढने, वो भी इंशाल्लाह वक्त आएगा। तो सबसे पहले नहीं, अभी डीजल नहीं, मुझे पता है डीजल की कीमत 5 रुपए बढ़ गई है, मुझे पता है, लेकिन और ना बताओ। अच्छा, सबसे पहले अब ये सुने, चाइना की मैं इसलिए मिसाल देता हूं कि आज वो दुनिया से मैं सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। वो मुल्क दुनिया की तारीख में ऐसे मुल्क आगे नहीं बढ़ा जैसा चाइना बढ़ा है, और चाइना की एक बहुत बड़ी वजह है कि वो तरक्की किया। उसने क्या किया चाइना ने, उसने बजाय पैसे वाले लोगों को और अमीर करता, उसने अपने कमजोर और गरीब तबके को ऊपर उठाया। कैसे उठाया? उसने सारी पॉलिसी बनाई आम लोगों के लिए। जो भी शाह महमूद और जहांगीर तरीन बात कर रहे थे, छोटे किसान के लिए, जो किसान कमजोर होता है, जो मेहनत कश है, चाइना ने अपने छोटे किसान की मदद की, उसके लिए बीज डेवलप करके दिए, उसके लिए सस्ती खादें दी, उसका जो पैदावार था उसको मार्केट किया, उस किसान को पानी ट्यूबवेल से जो पानी था वो महंगा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब छोटे किसान के पास पैसा बचता है तो वह मजीद अपनी जमीन पर लगाता है, और जब वो मजीद पैसा बनाता है तो जब किसान के पास पैसा आता है वो गुर्बत से ऊपर आ जाता है। यहां 70% हमारे लोग देहात में हैं। जब तक हम छोटे किसान की मदद नहीं करेंगे, देहात में गुर्बत खत्म हो ही नहीं सकती। छोटा सा तबका अमीर हो जाता है, जब भी कोई सब्सिडी देते हैं किसानों को, वो बड़ा बड़ा किसान ले जाता है, छोटा किसान बेचारा मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। बल्कि गुर्बत ऐसी है कि यहां देहात में बच्चों को खुराक नहीं मिलती। वो मुल्क जो सबसे जरखेज जमीन, वो मुल्क जो दुनिया को अनाज बेच सकता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने किसान की मदद नहीं करते। अक्सर ये छोटा किसान है, वो गरीब होता जा रहा है, वो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैदावार का उसका पैसा नहीं मिल रहा, उसके पास पैसा बचता ही नहीं अपनी जमीन ठीक करने के लिए, कर्जों में वो डूबा हुआ है। तो हमने जो चाइना ने पहली चीज की थी, अपने छोटे किसान को हमने उठाना है, आम आदमी को उठाना है, उसकी मदद करनी है। तो होगा क्या, ये सुने, चाइना में क्या हुआ, जब लोगों के पास पैसा बचना शुरू हुआ, उनके पास खरीदने की ताकत बढ़ी। अब ये सोचना, मसलन खानेवाल में 2 लाख लोग हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं आप, 2 लाख लोग हो, अब अगर 2 लाख लोग में से अगर 1 लाख लोग गरीब हैं और बाकी
जो 50,000 लोग हैं उनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं, सिर्फ खरीदने वाले जिनके पास पैसा है वो 5-10 हजार हैं, तो क्यों कोई आके सरमायाकारी करेगा, तो खरीदार ही नहीं है उसके लिए। जब नीचे से लोग ऊपर उठेंगे, लोग सरमायाकारी करने आएंगे क्योंकि लोगों के पास खरीदने की ताकत होगी। चाइना ने जब लोगों को गुर्बत से उठाना शुरू हुआ तो लोगों ने जाके चाइना में सरमायाकारी की, जब सरमायाकारी हुई और लोगों के पास पैसा आ गया, जब और पैसा आया और सरमायाकार आ गए, और करते 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 आज सारी दुनिया के सरमायाकार चाइना जाके सरमायाकारी कर रहे हैं, अमीर तरीन हो गया वो मुल्क। आप ये सोचें जरा कि 30 साल पहले जितना पाकिस्तान की आज सालाना आमदनी है 300 अरब, वो चाइना की थी। 30 साल पहले जो आज हमारी सालाना आमदनी 300 अरब डॉलर, वो चाइना की थी। आज चाइना की सालाना आमदनी जिसको जीडीपी कहते हैं, आपको पता कितना है? 10,000 अरब डॉलर। 10,000 अरब डॉलर। क्यों? क्योंकि उन्हें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से ऊपर निकाला है। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आया, खरीदने की ताकत आई, सारी दुनिया के लोग वहां जाके बड़े बड़े बिजनेस सरमायाकार वहां सरमायाकारी कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में अपने गरीबों को उठाना है। 10 करोड़ मेरा टारगेट, 10 साल में 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से हमने ऊपर लेके जाना है। और जब हम ले गए, दुनिया के लोग यहां सरमायाकारी करने आएंगे। और सबसे ज्यादा आपका जो असासा है वो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब यहां गए सरमायाकारी करने, आपको कोई IMF कोई अमेरिका से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चाइना के पास, ठीक है चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, CPEC आ रहा है, लेकिन हमें जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी इधर आके सरमायाकारी करनी शुरू कर दी, पाकिस्तानियों यहां वो खुशहाली आएगी, वहां वो खुशहाली आएगी, आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कितना पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास बाहर है। वो आते इसलिए नहीं कि ज्यादातर गुर्बत है, लेकिन इसलिए भी नहीं आते, करप्शन है। देखें, मैंने अगर अपना पैसा लगाना है, मैं अगर पाकिस्तान में पैसा लगाने आऊंगा, यहां सारे रिश्वत मांगेंगे, मैं दुबई चला जाऊंगा क्योंकि वहां रिश्वत नहीं मांगते, मैं मलेशिया चला जाऊंगा। तो हमने अपने मुल्क में, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने अपने मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है, करप्शन को हाथ डालना है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना है, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करनी है। यहां का हमारा गवर्नेंस सिस्टम एक दफा हमने ठीक, मैं आपको यकीन दिलाता हूं नौजवानों, आपको बेरोजगारी होने की फिक्र नहीं होगी। ये अमीर मुल्क है आपका, ये मुल्क गरीब नहीं है, ये अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया है, इसको सिर्फ मजबूत इदारे चाहिए, इसके इदारे मजबूत चाहिए, मेरिटोक्रेसी चाहिए, बेहतरीन लोग इदारों के ऊपर लेके आएंगे। जिस तरह हमने पख्तूनख्वा में बैंक ऑफ खैबर के ऊपर, सरकारी बैंक है, उसके ऊपर मेरिट पे हम टॉप प्रोफेशनल लेके आए, सियासी मुदाखलत खत्म कर दी, मेरिट के ऊपर लोगों को भर्ती किया। 5 रुपए से 3 सालों में बैंक ऑफ खैबर का शेयर 16 रुपए पे गया। पहली दफा उन्होंने अरब रुपए से ज्यादा पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिया, इदारे को ठीक किया, इदारे को मजबूत किया, उसने हमारे पैसा बनाने को दिया। बदकिस्मती से सारे इदारे इस वक्त PIA से लेकर रेलवे से लेके वापटा से लेके
स्टील मिल से लेकर सारे अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, जिसकी कीमत आप अदा करते हैं, आपके ऊपर टैक्स लगते हैं, आपके ऊपर महंगाई के जरिए टैक्स लगते हैं, आप इनके इदारों इनकी कीमत अदा करते हैं। तो हमने इदारे मजबूत करने हैं, मेरिट लेके आनी है, सिविल सर्विस को ऐसा करेंगे कि जल्दी जल्दी काम हो, जो भी बाहर से सरमायाकार आए, इंशाल्लाह जो तुर्की के अर्दोगान ने किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इन्वेस्टर के लिए ऑफिस होगा, कोई भी मुश्किलात हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हल होगा, ताकि मुल्क में सरमायाकारी हो, और इंशाल्लाह ये मेरा वादा है। और तीसरी चीज ये जरा बड़े गौर से सुने, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हर साल, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हर साल लोग मुझे पैसा देते हैं। शौकत हारम दो, अब तीसरा बना रहा हूं इंशाल्लाह कराची में, नमल यूनिवर्सिटी, जिसमें 90% गरीब घरानों के बच्चों का हम उनको मुफ्त तालीम देते हैं। सारा हर साल मैं पैसा इकट्ठा करता हूं, कोई पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं इकट्ठा करता। मैं आज आपको कह रहा हूं, अब सबके सामने, कि इंशाल्लाह मैं आपको यह साबित करूंगा, 8,000 अरब रुपया मैं टैक्सों से, आपको टैक्स नीचे लाके मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, 8,000 अरब रुपया यह मेरा टारगेट है। जब हमने 8,000 अरब रुपया इकट्ठा किया, कोई कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास पैसा होगा अपने बच्चों के लिए तालीम के लिए, हमारे पास पैसा होगा आला यूनिवर्सिटीज के लिए, हमारे पास पैसा होगा अपनी पुलिस को बेहतरीन बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए, पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए, पख्तूनख्वा की पुलिस को और बेहतर करने के लिए। पंजाब पुलिस तो मैं आपको बता दिया, पंजाब पुलिस को जो हम ठीक करेंगे, ऐसे नहीं ठीक करेंगे कि इनके कपड़े बदल देंगे, हम सही माने में इनको ठीक करके दिखाएंगे। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, झटके खड़ा है अब इमरान। तो खानवाल के नौजवानों, हमारी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की जो पुलिस होगी, लोग पुलिस की इज्जत करेंगे, लोग पुलिस से डरेंगे नहीं। पुलिस क्योंकि किसी किस्म की हम मुखालफीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, झूठे केस नहीं करेंगे, कोई MNA कोई वजीर अपना थानेदार नहीं रखवाएगा, मेरिट के ऊपर होगा जो आज पख्तूनख्वा में है, और इसलिए हम जुर्म लेके नीचे लेके आएंगे, ताकि लोगों की जान और माल की हिफाजत हो। इंशाल्लाह ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि कभी हम एक ऐसा कौम बनाएंगे जो कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं, एक ऐसे ही कौम बनाएंगे जो हर जगह जब पाकिस्तानी जाएगा तो लोग कहेंगे देखो वो पाकिस्तानी है, इज्जत होगी दुनिया में, हरे पासपोर्ट की आपको इज्जत करके दिखाएंगे। क्योंकि जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। पहले अपने लोगों की हम इज्जत करेंगे, अपने लोगों को VIP बनाएंगे, अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे लोगों की। जब आप अपनी कौम की इज्जत करते हैं, जिधर भी पाकिस्तानी होगा उसको पता होगा कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है। जिधर पाकिस्तानी दुनिया में काम करने जाएगा, एक पाकिस्तानी से हम ज्यादती नहीं होने देंगे। जो बदकिस्मती से इतने बेचारे जेलों में पड़े हमारे लोग, जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हम इंशाल्लाह इस कौम की इज्जत करवाएंगे, इसको वो मुल्क बनाएंगे, नौजवानों वो मुल्क बनाएंगे जिसके लिए कायदे आजम ने ज्यादा जद्दोजहद की। जो हमारा अजीम लीडर था, एक ही लीडर को मैं मानता हूं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसको
تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خانیوال میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس قوم کو ایسا بناؤں گا کہ پوری دنیا میں اس کی عزت ہوگی۔